हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं इजी ब्रोकोली बनाने का दिखा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने आधा टेबल स्पून टीस्पून तेल लिया था एंड उसमें मैंने ब्रोकोली डाल दिए डायरेक्टली थोड़ा सा धो के। इसमें एक चुटकी नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालना है वरना आप ये ब्रोकोली खा नहीं पाओगे। उसका फ्रेश टेस्ट उसी में होता है कि कम नमक के साथ खाओ। एंड फिर यहाँ पे मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, आप चाहिए तो हिमालयन सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, मैंने नॉर्मल सॉल्ट यूज़ किया है। एंड अब इसको थोड़ी देर सॉटे कीजिए जब तक थोड़े से चार्ड, मतलब वो निशान होते हैं ना, वो ब्रोकोली पे ना दिख जाए। जब तक वो निशान दिखेंगे तब तक थोड़ा सा सॉटे कर लीजिए। इसमें के जो भी प्रोटीन वगैरह जो भी इसमें है ना, अच्छे क्वालिटीज़ इसके, वो लूज़ नहीं होने चाहिए। देखिए कितना हरा भरा है, अभी भी मैंने ब्राउनिश नहीं किया है पूरा, बस थोड़े से चार्ड निशान आने दिए हैं। एंड ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट तैयार। तो पूरा स्प्रेड देखिए ब्रेकफास्ट का, इसमें है एग, जो बॉयल्ड एग है वो सनी के लिए है, ये गार्लिक ब्रेड है, एग वाइट है एंड ब्रोकोली है। ये था हमारा ब्रेकफास्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज है क्या, वेडनेसडे, और अभी मैं जस्ट तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ अंकिता के साथ। और मैं तैयार होके वेट कर रही हूँ कि 2 बज जाए, ताकि 2 बजे मैं घर से निकलूँ, क्योंकि अंकिता भी 2 बजे निकलने वाली है। एंड हम लोग मिलने वाले हैं बुगीज़ पे। हाँ, हम बुगीज़ जा रहे हैं क्योंकि अंकिता परसों के दिन, विच इज़ ऑन फ्राइडे, वो इंडिया जा रही है। तो इसलिए उसको नेल्स बनवाने हैं इंडिया जाने से पहले। तो उसने बोला कि चलो दीदी मिल भी लेते हैं, एंड नेल्स का नॉलेज जितना मुझे है वो किसी को भी नहीं है फ्रेंड्स में। तो इसलिए जब भी किसी के नेल्स वेल्स बनवाने होते हैं तो वो मुझे साथ लेके जाते हैं। तो हमने बोला कि चलो मिल लेते हैं। सो अभी वही है, एंड अंकिता यहाँ कोई भी फेस्टिवल्स के लिए रहेगी नहीं अभी, मतलब कोई भी, मतलब क्या, दिवाली जो आने वाली है, दिवाली के लिए वो यहाँ नहीं रहेगी, वो इंडिया में दिवाली मनाएगी। बट अंकिता के हस्बैंड जो वो यहीं रहेंगे, भैया यहीं होंगे, तो वो हमारे साथ मना लेंगे दिवाली। सो कुछ ऐसा है। सो चलिए अभी बुगीज चलते हैं, अंकिता से भी मिलवाती हूँ आपको, एंड उसके बाद जब वो वापस आएगी इंडिया से तभी मिलेगी आप लोगों से। या लेट्स गो। तो अभी बस घर से निकली हुई हूँ एंड एग्जैक्ट शार्प 2:05 पे मैं निकल गई। 2 o'clock को नहीं निकली क्योंकि मुझे पता है अंकिता को भी एक 5-10 मिनट ऊपर नीचे होगा, तो एग्जैक्ट 2:05 पे निकली हूँ मैं। सो अभी चलते हैं बुगीज, काफ़ी दिनों बाद जा रही हूँ। लास्ट गई थी मैं नेल्स करवाने, तो अभी जा रही हूँ। फाइनली बुगीज़ पहुंच चुकी हूँ मैं, एंड जहाँ अंकिता अभी वेट कर रही है वहाँ पे जा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कोविड के केसेस में राइज आया है, आई थिंक आज 6,500 केसेस आए हैं, और जिनको मैं जानती हूँ उनमें से 2 लोगों को कोविड हुआ है, मेरी फ्रेंड एंड सनी के बॉस की वाइफ को भी हुआ है कोविड। तो पता नहीं अभी रूल्स और स्ट्रिक्ट करेंगे या फिर पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। चलिए अंकिता से मिलवाती हूँ। कितने देखो ऐसे होना भी नहीं, देखो आज मम्मा जो तो हेलो मम्मा भी जो तो रही है अंजू भी जो तो हेलो। तो बोलो इंडिया जा रही है हमको छोड़ के, देखो छोड़ के नहीं, कितने दर्शन होंगे इंडिया के, कितने ट्रिप मार रही है देखो तो सही। कब आई थी तुम, कब आई थी तुम? 8th May 8th May, और देखिए अभी फिर सितंबर में जा रही, अक्टूबर ना, सॉरी अक्टूबर। जल्दी आना बोल रहे हैं सब लोग। नहीं जल्दी ओ मामा एमओटी से आई। सो अंकिता नेल्स करवा रही है, रेड कॉमन है बट साड़ी वड़ी के साथ अच्छा लग जाएगा। सो देखिए दोनों माँ बेटों को पेडिक्योर, इनमें से कौन करा रहा है पता नहीं, वो की है वो, ये फर्स्ट वाला कलर है। हाँ करा रहे देखो कितना मस्त बैठा है, अच्छा है ना कलर। अभी 2 कोट आने के बाद और अच्छा लगेगा। नेल्स ही नहीं, छोटे छोटे नेल्स हैं। डोसा फैला दिया उसने। सो अभी नेल्स करवा के तो हो चुका है, मैंने भी पैरों का करवाया, अंकिता ने भी पैरों का करवाया, और अभी अंकिता जा रही है अपने घर एंड मैं जा रही हूँ अपने घर।
तो अंकिता से मिलते हैं इंडिया से वो आने के बाद। बाय बोल दो अंकु एक बारी। बाय बाय। उसने पिंक कलर नेल्स करवाए एंड मैंने रेड कलर करवाए। एक्चुअली दोनों का उल्टा उल्टा होना चाहिए, तो उसको रेड, मेरा पिंक उल्टा हो गया। चलो अच्छे बने। सो मैं आपको घर जाके मिलती हूँ। सो अभी बस घर वापस आई हूँ मैं। घर आते ही आटा गूंदने लग गई मैं, क्योंकि लेट हो गया है, खाना भी खाना है। खाने का टाइम निकल जाएगा तो फिर बाद में डिफरेंस हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम में। आटा गूंद रही हूँ मैं फटाफट से। भी एक सब्ज़ी है, पनीर वाली सब्ज़ी, उसको तड़का लगाऊंगी। एंड मेरे लिए वो ड्राई बेसन होता है ना, वो है, तो वो और दही रहा तो मेरा पूरा डिनर कंप्लीट है। जैसे मतलब मुझे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं। तो सनी के लिए वो है एंड उनके मिर्ची का अचार है, वो रोटी के साथ बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो इतना सब कुछ है, फटाफट से आटा गूंद के ख़त्म करते हैं। फटाफट से पनीर को तड़का लगा दिया, ये रहा मिर्च का अचार, चपाती, एंड मैं यहाँ पे ड्राई बेसन और ये मूंगफली की चटनी होती है ना हुबली वाली, वो खा रही हूँ एंड दही के साथ। सो ये रहा हमारा डिनर। सो अब देखिए पूरा किचन क्लीनिंग वगैरह हो चुका है। अब मैं जाके बिग बॉस देखूंगी, क्योंकि बिग बॉस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है। एंड ऑल्सो मैंने बोला था कि आज मैं वो डेकोरेटिव्स दिखाऊंगी जो जो मैंने मंगवाया है दिवाली के लिए, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि आज है ना, मैंने ऑलरेडी निकाल के रख के नहीं गई थी सामान, एंड आज बुगीज जाने की वजह से दिन में मैंने व्लॉगिंग नहीं किया ना, तो वहाँ पे किया मैंने अंकिता के साथ, तो घर पे कोई व्लॉगिंग हो नहीं पाई। आने के बाद डिनर की तैयारी करनी थी, ऐसा हो कि मैं आपको सही से आज दिखा नहीं पाऊंगी, तो इसलिए कल दिखाऊंगी मैं। कुछ कुछ चीज़ें ये थोड़ी बहुत चीज़ें वो मैं आपको दिखाऊंगी कल। एंड एक और चीज़ मैंने ऐड ऑन की है किचन में, वो आपको दिखाऊंगी। बहुत सुंदर लगी थी मुझे, तो मैंने ऑर्डर किया था, आज ही ऑर्डर रिसीव हुआ है, उसमें मैंने रख दिया। एक्चुअली उसमें कुछ और रखने का प्लान है मेरा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए मैंने ये रख दिया है। देखिए आप वाला मैंने यहाँ पे टांग दिया है, सब बोहेमियन थीम वाले मिलते हैं ना, ये एक्चुअली यहाँ इसकी जगह नहीं होगी। इसमें मैंने मनी प्लांट भी डाल दिया है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो मैंने ऐसे ही एक कोई बॉटल डाल दी है, एक्चुअली इसके लिए मैं अच्छी वाला एक जार वगैरह ला के इसके अंदर रखूँगी। तो अभी के लिए मैंने यह कॉर्नर में रख दिया, क्योंकि कॉफ़ी कॉर्नर का प्लांट जो है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिलने की वजह से वो ग्रो नहीं हो रहा था। आप देखिए कितने सारे पत्ते आ गए उसमें, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सनलाइट वगैरह आ जाता है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। और तुलसी तो बहुत सारी तुलसी उगी हुई है। एंड ये देखिए बेजल कल बचा था ना, उसकी डंडियाँ लगा दी है मैंने, क्या पता उग जाए बेजल, है ना, तो उसको लगा दिया है। सो यहाँ पे है वहाँ का मनी प्लांट, सो इसलिए ये वाली जगह खाली दिख रही है आपको, इसलिए ये टांगा है। इसको कहीं और टांगना है, सोचूंगी मैं अभी क्या करना है। और ये मैंने कुछ नए वाइन ग्लासेस लाए, तो इसलिए उनको धो के अभी यहाँ पे सूखने के लिए इस किचन टॉवल पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ रखना मुझे सेफ नहीं लग रहा था, क्योंकि ये अगर गिर गया ना, ये इतने नाजुक हैं वाइन ग्लासेस, तो ये टूट भी सकते हैं, तो इसलिए अभी धो के रखा है ये। कल इसको ना पोंछ के फिर मैं मेरे मिनी बार में रख दूंगी। मैं ऐसे ही बातें करते बैठी थी सनी के साथ, बिग बॉस देखा, बिग बॉस स्टार्ट हो गया ना, कितने लोग बिग बॉस देख रहे हो, हाथ ऊपर उठाओ। मुझे बिग बॉस देखना बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे, काइंड ऑफ अच्छा लगता है। तो बिग बॉस देख के वहीं देखते देखते ऐसे सो गई मैं सोफा पे। तो अभी उठी 9:30 बजे है, सो अभी मुझे ध्यान आया एकदम से कि योले का मैंने एक कूपन लेके रखा था, अभी सोच रही हूँ कि योले खा के आऊँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही बस सूखा बेसन और रोटी खा लिए ना, तो ऐसे लग रहा है ठंडा ठंडा कुछ खाऊं। तो अभी जा रहे हैं हम मॉल, 9:30 बजे, पता नहीं खुला रहेगा बंद रहेगा, लेट्स सी। 10 बजे तक तो मॉल खुला रहता है वैसे तो। तो अभी जा रहे हैं योले लेके आती हूँ, मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर कल ले लेंगे, है ना। फटाफट से ये खोल के जाती हूँ। फाइनली मेरे नसीब में योगर्ट लिखा हुआ था, तो देखिए ये मिल गया। एंड एक और है, सनी पकड़ के जा रहे हैं, सनी खाना ही छोड़ दिए इसको, वो बोलते हैं कि इतना खा लिया कि तंग आ गए हो खाने से। तो अभी खाते हुए घर जाएंगे आराम से, फिर घर जाके कुछ बातें करूंगी आपसे, ठीक है? कुछ पूछना है आप लोगों का, सजेशन चाहिए, सो घर जाके मिलेंगे।
घर वापिस आ गए एंड ये देखिए योगर्ट खा रही हूँ मैं। लिया मैंने योगर्ट योले से, बट फिर हेगेनडेज का टिश्यू पेपर लिया मैंने, क्योंकि योले से टिश्यू लेना भूल गई थी, तो हेगेनडेज वालों का चुरा लिया मैंने। चुरा लिया क्या, वहां से ले लिया बस, फोकस नहीं हो रहा है। हाँ तो मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ सजेशन चाहिए मुझे, कुछ पूछना है आप लोगों से। तो एक्चुअली ना मेरी मम्मी का एक कंप्लेंट रहता है रोज। मेरी मम्मी बोलती है कि जो तू वीडियो डालती है रात को, एक्चुअली मेरे लिए तो यहाँ पे 12 बज चुके होते हैं, बट इंडिया में आई थिंक 9:30 बजे रहते हैं रात के, कभी कभार 12:30 हो जाते हैं मुझे यहाँ पे, तो आप लोगों का 10 बज चुका रहता है इंडिया में रात का टाइम वो भी। तो मेरी मम्मी क्या बोलती है मुझे कि तू बहुत लेट से डालती है वीडियो, एक्चुअली उस टाइम पे बहुत सारे लोग सो जाते हैं या फिर इतना वीडियो देखते नहीं है, तो बोलते कि नेक्स्ट डे सुबह डाला कर तू। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सुबह कैसे डालूं मैं, क्योंकि रात को ही मैं एडिटिंग करती हूँ, उस दिन का सेम एडिटिंग कर रही हूँ। आजकल तो मैं उसी दिन वीडियो बनाती हूँ, उसी दिन एडिट करके डाल देती हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रात को ही कैसे डालूं वीडियो। तो सनी क्या बोल रहे हैं, रात को डालो, नेक्स्ट डे उसको पब्लिश कर दो, तो नेक्स्ट डे सबको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर मैं मंडे को वीडियो शूट कर रही हूँ तो आपको वीडियो मिलेगा ट्यूसडे की सुबह को, मंडे वाला वीडियो, फिर ट्यूसडे को जो शूट कर रही हूँ वो मिलेगा आपको वेडनेसडे के दिन। तो ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कि मैं सेम डे रात को वीडियो डालूँ या नेक्स्ट डे सुबह वीडियो डालूँ, तो प्लीज़ बताना, मुझे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। एडिटिंग करूँगी मैं रात को ही, बट पब्लिश करूँगी नेक्स्ट डे सुबह। तो ऐसा जब होगा तो उस हिसाब से फ्राइडे जो शूट होगा वो सैटरडे मॉर्निंग को मैं पब्लिशिंग के लिए डाल दूंगी, तो दैट मीन्स सैटरडे को व्लॉग आएगा, संडे एंड मंडे को व्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि एक दिन आगे चला गया ना, तो उस हिसाब से वैसा है। बहुत ठंडा है, तो मुझे बताना ये मेरा आइडिया ठीक है, काम करेगा, आप लोग ओके हो कि नहीं हो जरूर बताना मुझे, ठीक है, उस हिसाब से मैं सोचूंगी। तो यही बात बोलनी थी, पूछनी थी आप लोगों से। एंड मैंने अभी तक ना गरबा का आउटफिट पहन के ही नहीं देखा है, मुझे पता नहीं वो लहंगा आता भी है कि कैसे बैठ रहा है, फिटिंग वगैरह मुझे कुछ नहीं पता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई करके देखती हूँ, रुके वो पहनती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ, इसी फ्रॉक के ऊपर ही मैं पहन के देख लूँगी। तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, आ तो गया है, बट यहाँ से मैं इतनी मोटी क्यों लग रही हूँ एक्चुअली? ये जो है ना, इसकी वजह से मैं ज़्यादा मोटी लग रही हूँ, ये एक्चुअली ऐसे फूल के खड़ा हुआ है, तो इसको और ऊपर बांध लूँ मैं तो पता नहीं यार, देखते हैं। ये दिखने में तो बहुत सुंदर है, देखिए ऐसा कुछ नीचे उसकी डिज़ाइन भी है ऐसा। आई थिंक पूरा आउटफिट पहनने के बाद ही पता चलेगा क्या है कैसा है। के लिए तो ऐसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बट डिसाइड करती हूँ मैं क्या, ये नहीं तो फिर ऑप्शन मेरे पास बच जाता है ब्लू, ब्लू वाला जो मैं दिवाली पे एक बारी पहनी थी, बट इसमें बहुत मोटी लग रही हूँ मैं, मुझे खुद को ही लग रहा है यार, इतना मोटा तो मेरी बॉडी है नहीं, बट ये है ना, ये लेस की वजह से ही लग रहा है ऐसे। इस लेस को ना साइड बाय साइड कुछ कुछ करना पड़ेगा मुझे, लेट्स सी, डिसाइड करूँगी मैं ये वाला या फिर वो वाला। ये ज़्यादा मुझे ऐसे गरबा स्टाइल लग रहा है, वो मेरा वाला गरबा स्टाइल नहीं है, वो ऐसे ही शादी वगैरह में पहनने के जैसा है वो। तो देखते हैं, अभी के लिए उतार देंगे और फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं। कल एक बारी मैं बैठ के सॉर्ट आउट कर लूँगी कपड़े, क्योंकि एक ही दिन बचा है, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा मुझे। सो या आई थिंक इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ, और कुछ है नहीं अभी, अब वही काम वाम कर लूँगी मैं। आई थिंक इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़रूर बताना कि व्लॉग मुझे दिन में डालना चाहिए या रात को डालना चाहिए, जैसे आप बोलोगे वही होगा जिनका मेजॉरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में, अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय।